नुपुर शर्मा मामले में दिनों दिन नई नई खबर सामने आती जा रही है और ऐसी ही एक और खबर सामने आ गई है। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि हिंदुओं को किसी भी मामले में यदि कोई समस्या होती है तो वे अदालत का रास्ता अपनाते हैं। उनके आराध्य देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया, ये सत्य सभी लोग जानते हैं, इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को चुप करा दिया जाता है और ऐसा ही मामला फिर नुपुर शर्मा के साथ हो गया। यही नहीं, इस मामले में और लोगों की भी कई टिप्पणियां सामने आई है। जी हाँ, जो लोग बीजेपी का समर्थन करते थे वे लोग आज बीजेपी को कांग्रेस से तोल रहे हैं। आपको बता दें कि एक कट्टर समर्थक अभिषेक राजपूत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने आज तक भाजपा को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया है। इसका केवल एक ही कारण रहा है कि भाजपा ने कभी किसी वर्ग का तुष्टीकरण नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाएं किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होती, ये सबके लिए एक समान रूप से लागू की जाती है। लेकिन नुपुर शर्मा पर की गई कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा भी मुस्लिम चरमपंथियों के दबाव में आ गई है। वे आगे लिखते हैं कि कांग्रेस के कई नेता अपनी पार्टी छोड़ छोड़कर भाजपा में जा रहे थे और अब मुस्लिमों के तुष्टीकरण के मामले में भाजपा ही असली कांग्रेस बन गई है। इस प्रकरण के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैशटैग नुपुर शर्मा लगातार रूप से ट्रेंड कर रहा है। नुपुर शर्मा के समर्थकों ने लिखा है कि भाजपा अब हिंदुओं की पार्टी नहीं रह गई है और हिंदुओं को वोट देने के लिए अब नई पार्टी की तलाश कर लेनी चाहिए। नुपुर शर्मा समर्थकों का लिखना है कि हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों के बारे में लगातार अभद्र टिप्पणियां की जाती रही है, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इस्लामी प्रतीकों के तथ्यात्मक जानकारी देना भी गलत करार दे दिया जाता है। हालांकि इस मामले में अभी तक अदालत के द्वारा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा उठाया गया कदम क्या देश में शांति लाने के लिए था, या फिर जो बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि नुपुर के साथ गलत हुआ है, ये बात सही है? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो।